नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। 3 साल पहले बंडगर रोड पर लूट के उद्देश्य से हुए ट्रक ड्राइवर के अंधे कत्ल का आईपीएस सचिन उदुलकर ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि ट्रक लूटने के दौरान ट्रक ड्राइवर ने विरोध किया था, इसी के चलते उसे गोली मार दी थी, जहां घटना स्थल पर ही ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ट्रक को टोल टैक्स के पास छोड़कर वहां से फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों से 2 पिस्टल सहित कई हथियार बरामद किए हैं। और ये सीहोर से फरार भी है 2011 से, अभी भी इसका स्थाई वारंट है वहां पे सीहोर। ये वर्ष 2016 का थाना बड़नगर का हत्या का प्रकरण है। पुराने प्रकरणों की लगातार समीक्षा में, क्योंकि ये काफ़ी सनसनीखेज वारदात थी, इसमें बड़नगर पुलिस और एसटीएफ की टीम को साथ में लगाया गया था और पुलिस ने इसमें सफलता पाई है। इसमें 2016 में ट्रक को लूटने के उद्देश्य से ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और उसके बाद से ही आरोपी इसमें फरार थे, अज्ञात थे। पुलिस ने इसमें लगातार प्रयास करके जो आरोपी इस प्रकरण में थे उनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कुल 4 इसमें आरोपी हैं, और जिसमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। घटना में जो प्रयुक्त हथियार थे, 2 कट्टे थे, पुलिस ने वो जब्त किए हैं। साथ ही अन्य जिलों की जो वारदातें हैं, जिला देवास की एक लूट की वारदात है, और साथ ही कुछ स्थायी वारंट हैं, वो भी तामील हुए हैं, और आगे भी कुछ इनसे जानकारी। कमिंग अप न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।